सीता जी दरबार में आ रही हैं। महाराज ने बड़े हर्ष में हो ये उत्सव आज रचाया है। बलवानों बल दिखलाने को ये सुंदर अवसर आया है। क्षत्रियों क्षत्रियों के आगे क्षत्रियों का बल अजमाना है। योद्धाओं अपना अपना बल इस जगह आज दिखलाना है, इस जगह आज दिखलाना है। बीच सभा में पड़ा है देखो धनुष कठोर, सीता भी जयमाल ले खड़ी हुई उस ओर। जिसकी भुजाओं में बल हो जीते वह इस बाजी को, जिसको ना सोच प्राणों की ब्याहे वही सीता जी को। है कौन इस सभा में वह जो बहादुरी दिखलाएगा, है राजकुमार रणधीर कौन जो राजकुमारी पाएगा, जो राजकुमारी पाएगा। Thank you.
नमस्कार करके मन में अति हर्ष आऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। नमस्कार।
महाराजा रामन जरा होश कीजिए, आपकी बहन श्रूपनखा बहुत बीमार है और प्राण छोड़ने को तैयार है। क्या कहा? बहन श्रूपनखा सख्त बीमार है तो मुझे चलना चाहिए। तालियां जरूर मारो, जोर की तालियां मारो। दुनिया में बलवान कोई देखन में ना आया है। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना योद्धा रहे ना धर्मात्मा, राज रखेगा तू ही परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। भाई कि दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। रह गए बहादुर नाम के, देख दिखाने को है जिंदा, न मदद किसी काम के, है ये दुनिया में जिंदा बस सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी भी खाली जाता नहीं। है अफसोस की दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। शोक सीता उम्र भर कवारी रही, आरजू दिल की दिल में हमारी रही, बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मगर बच्चा चूपा को लगाता नहीं। हाय अफसोस कि दुनिया में मुझे बहादुर नजर आता नहीं। जो क्रिया का प्रण को निभाना पड़ा, सातव सोच के मुझको ये बताना पड़ा, मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा, मगर मैं इन गवारों से कभी भी बिहाता नहीं। है अफसोस कि दुनिया में मुझे अब बहादुर पसंद नजर आता नहीं। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, इस तरह हतक कर दी है कि सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये बात तुम्हारे पर लड़ना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठकर, तुम्हें ऐसी सगी जताना मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका ये धनुष तो ऐसे आपस बचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से आपू सभी एक को, तुम्हें ऐसे और दिखाना मुनासिब नहीं। जू बुलाकर घर पर किसी शख्स को, हतक उसकी करना मुनासिब नहीं। बंद रखो जुबान अब जरा मेहरबान, और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता अभी नदियां खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई के आगे के बिना, आज मुझको उठाना मुनासिब नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे अपनी
सुनती है बेगैरती सही कैसे, वो बांध जिनको सुनेगी वो सुनकर मौन रहे कैसे। रघुवंशी वीरों के आगे कोई ना ऐसा कहता है, अटूटा बात प्रभु के आगे मिथिला पति कैसे कहता है। श्री रामचंद्र जी के आगे कह दिए ये लोग वचन कैसे, पृथ्वी वीरों से हीन हुई सहे शब्द शिक्षण कैसे। डंके की चोट से कहता हूँ ऐसा हो सकता कभी नहीं, जिस रोज में कोई वीर होगा उस रोज रहेंगे पृथ्वी। ये मेरी हिम्मत कभी सह सकता नहीं, रुके चरणों की रहे कृपा बस तेज आतंक का रखता हूँ। कुछ घमंड से नहीं कहता बस आज्ञा जो आपकी मिल जाए, इस जिलम धनुष का क्या कहना सारा ब्रह्मांड हिल जाए। ब्रह्मांड उठा करके सारा कच्चे घड़े के सम फोड़ू मैं, जल में थल कर दू थल में जल कर दू, इन तारों को भी तोड़ू मैं। ये समेरु पहाड़ उठा करके मुरली की मांग तोड़ू मैं, ये पृथ्वी और पहाड़ों को कम भर में जल कर डालू मैं। है नाग अब आज्ञा दीजिए, मैं बल अपना दिखलाऊंगा और जो कहा है मैंने वो करके दिखलाऊंगा। और एक समझे को तोड़ गिराऊंगा, अगर मैं वो नहीं करके दिखाऊंगा तो सौगंध आपके चरणों की मैं निचकर बिना धनुष उठाऊंगा। अब किस बात का इंतजार है, हम तो सब अपना अपना जोर लगा चुके, आखिरी बेटा तुम्हारा वार है। अगर अगर के कमान बड़ी सख्त है मगर बेटा तुम्हारी परीक्षा का यही सख्त है। और अपनी वीरता का सम्मान करो, तुम्हारी जय हो। और सौगंध की रस्म तुम्हारे ही नाम होगी। Let's go.
ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋਸ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਭਰਾ ਗਗਨ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਾ दाया है खत्म दुनिया भर का क्या कर सकते हो तब मैं थोड़ा
नालायक वो समझ कर जरा क्यों बच्चा धर्म पाया है। ये धनवा श्री त्रिपुरारी का विख्यात सफल संसार में है। ये धर्मी सबका हो सकता तुम्हें आता नहीं विचार में है। श्री जी मेरे ख्याल से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। अभी वो धनुष पुराना था, इसमें क्या लाभ या हानि है? शायद तो वो होगा नहीं। धनुपत ने सोचा वो तो छूते ही टूट गया, इसमें क्या दोष हमारा है? तुम बिना वजह ही क्रोध करो, ये कैसा ख्याल तुम्हारा है? श्रीमान तुम ब्राह्मण हो, ये क्रोध न तुम्हें सताता है? ये क्रोध है केवल क्षत्रियों का जो रण में पहना करता है। एक देवी है और एक डालू अगर काफी है, संसार में ब्राह्मणों को तो एक शांति ही काफी है। वो सोच हमें गुस्सा लड़के क्यों कहीं चर्चा करता है? क्या तू मेरे कहे ग्रंथ से नहीं डरता है? अरे नहाय तू मुझको गुस्सा दिला रहा है, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे मासूम जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी मौत मेरे ही हाथों से आएगी। यू बेस्ट बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, इसे मुझे समझ लगा क्या कह रहा है? दिया है मैं गुनाहगार, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े इस कदर म्यान से? मैं खूब वाकिफ हूँ तेरी शान से। क्यों करता है मौत की कुछ को? जरा जरा कर तू मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो मुंह में डालो ताशा नहीं। जरा ठहर, तुझे अभी मजा दिखाता हूँ। बचा तेरी सरकसी का तुझको दिखाता हूँ। ये कीटर सी भक्की दिखा किसी और को, ये फीके मजे चखा किसी और को। तेरी मौत सब बदला रही है, तेरी मौत तेरे सामने दिखाई दे रही है। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी मुफ्त में कप्तान है। वो देखो मुझे दांत दिखला रहा है और छरा से मुझे चढ़ा रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें नाहक इस पर भरम हो गया। राम खूब इसका नाम नरमी है, ये बातों ही बोताई में मुझे चढ़ा रहा है और नकले करके मुझे गुस्सा दिला रहा है। सामने आ जा वरना कच्चा चबा दूंगा। इसको मेरी आंखों से दूर कर दे, मैं इसकी पूरी दुर्गति बनाऊंगा। महाराज तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपको खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, तेरी बेटी इसी में है ना, तेरी वर्ड सुनाई दे। महाराज इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, आप अपने कानों में उंगलियां दे लो, मेरी आवाज आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ओ पाचुबान अभी देखता हूं तेरे तीरों का मार। अगर ज्यादा चुमान चलाएगा तो मोड़ के ठंड पर आ जाएगा। तेरी बैटरी इसी में है, तू मेरे सामने से चला जा बना मेरी मुफ्त क्या नागा। क्या यही एक पुराना प्रशा क्षत्रियों का मुक्ति दाता है? हल्दी की एक डाट पर चूहापन सारी कहलाता है। अलविदा हुई तेरी तेजी, रात तू आज बिछाता है, इससे तो ज्यादा तुम्हारा बोल ही काफी है जो इस तरह मुझे काटता है। और इस समय आप जो मुझे बार बार प्रशा दिखाते हो, क्या बात है मुंशी? तो खूब नहीं गिरिराज बाहर खाते हो। जितना तू हंस रहा है उतना ही समय रोएगा। तीक्ष्ण इस दांत के पर्चे की
तेरा घमंड उतर जाएगा। वाह, इस छोटी सी जीवा से तू भारी पहाड़ उठाता है। तेरा मुख तो दूर तक है जिसमें फिश की बूंद गिराता है। जी जी में तो यही आता है तेरा मैं भी विनाश कर दूं। होता क्या है ख्याल वस्ता का, सोचता हूं क्या बात करूं। अरे अरे मुझे बेजवान, तेरा मुंह से बात कर बात कर, तू अपनी जान गुमाता है। मुझे ऐसे निर्मोह ही गया के तू अपनी जान गुमाता है। हे नाथ, बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा नहीं मानते हैं। इनका मुख तो गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जानते हैं। हे नाथ, आप तो ब्राह्मण हो, कुछ सोचिए तो नादान है ये। तुमको मिल गया इसका भेद, उसको ना भेद अनजान है ये। हाँ, अगर आप भेद ब्राह्मणों के आते फिर नहीं इतना घबराता ये। वीरों का भेष देखकर ही आज इतना अकड़ता ये। हे नाथ, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं, खतावार मैं हूं, और जो सजा आप देना चाहें मुझे मंजूर है। गुना गुनाहगार के लिए मेरा बच्चा ही काफी है। कौन कहता है तुम्हें खतावार है? वो खतावार तो तुम ही हो जो रंग में भंग डाल रखी है। ये धनुष राजा जनक का है, इसने इसे तोड़ाया है। होते हो आप कौन जो रंग में भंग डाल रखा है? क्या मारा जाना इस धनवा का जो पाए हैं रुदन करने? जब देख क्षत्रियों का समूह आए हो आप रन करने? क्या अभी ज्यादा नहीं हुआ कुछ उसको? क्यों आप मुझको निकलता है? क्यों मेरे गुस्से की याद बड़ा? क्यों खींची डाल में आता है? अरे अरे मूर्ख, शिव धनुष को तोड़कर जो धाम में दम भरता है, अभी पाला नहीं पड़ा तुझसा, क्यों खूनी बातें करता है? महाराज, आप भी ये जानते हो कि क्षत्रियों के लड़के जब लड़ते हैं दरकार भी सामने आ जाए तो भी आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई बंका भी उसको, इसीलिए अभी तक है देवता और ब्राह्मण दोनों घर में ही बड़े कहलाते हैं। लानत लानत है ऐसे बच्चे पर जो तुझ पर ना प्रहार करे। बेहद है गुस्सा मेरा जो तुझ पर ना बर्बाद करे। खता है इस बच्चे की, ये मार नया पोतक पर है। हे राम, देना मत दोष मुझको, बालक का मन मरने पर है। अभी तुम्हारा सिंह से अलग करता है।
भगवत, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि लक्ष्मण पर कृपा करो, क्योंकि इसमें लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं। आप खुशी के साथ मेरा सिर काट दीजिए, मैंने ही यह धनुष तोड़ा है। हमारी क्या ताकत है कि आपके साथ युद्ध कर सकें? हमारा तन, मन और सब ब्राह्मणों के ही अर्पण है, और उन्हीं की दया दृष्टि से मैंने इस यज्ञ में इस धनुष को तोड़ा है। राम, क्या वास्तव में तूने ही यह धनुष तोड़ा है? बेशक, जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह ये है, क्या ये तूने ही धनुष उठाया है? भगवान, तो आपने मेरी शक्ति को कब आजमाया है? अगर आप में सीना जोर है तो लीजिए, इस धनुष का किला चढ़ा दीजिए। जो आज्ञा। बस उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया है। परंतु मेरा इत्मीनान अभी नहीं हुआ। राम, तुम्हारा इत्मीनान कैसे? जब मेरा तीर एक बार कमान से कटता है तो बिना किसी की जान लिए नीचे नहीं उतरता। तो हे राम, आप इसे दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए। परशुराम देवता, परशुराम दे एक जोरदार ताड़ी मारो जी। बहुत अंकारी होंगे जी को अयोध्यापुरी की तरफ भेज दीजिए। वहां के मैं प्रत लेकर सीकर यह बड़ा सुंदर वार्तालाप होया परशुराम ते लक्ष्मण जी विच। इन्हां खास करके राम ते लक्ष्मण जिहड़े दोनों सगे